की आंदोलन च किसान नहीं ले जा सकते अपने ट्रैक्टर। हाई कोर्ट च हो रहा मॉडिफाइड ट्रैक्टर का जिक्र। किसान दे निजी इस्तेमाल लई नहीं हन ट्रैक्टर, वड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि खेती तो इलावा ट्रैक्टर दा होर किसे थां ते कीता जा सकदा इस्तेमाल। आखिर ट्रैक्टर बारे की कहता है इंडिया दा मोटर व्हीकल एक्ट। हाई कोर्ट दे वकील प्रदीप विर्क ने चानन पाया है। आओ जानते हैं कि आखिरकार ट्रैक्टर ते हाई कोर्ट दे विच चर्चा छिड़ी ते छिड़ी क्यों। जनहित याचिका में एक जगह जिक्र आया था कि ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया है और जेसीबी भी किसान लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, और एक वहां पर जिक्र चला था कि ट्रैक्टर एक खेतीबाड़ी का जो खेतीबाड़ी में यूज होता है, लेकिन क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी में आता है, क्योंकि किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली जाना चाहते हैं। एक्ट क्या कहता है, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रदीप विर्क। प्रदीप जी, किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं होगा तो खेती का मतलब नहीं, लेकिन किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं हैं, उसमें जिक्र आता है कि मॉडिफाई किए गए ट्रैक्टर जेसीबी का जिक्र है, और यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर खेती के लिए यूज होता है लेकिन इनको आप इस तरह से मार्च में नहीं ले जा सकते। जानकारी कानून की क्या कहती है? मोटर व्हीकल्स एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 के अंडर अगर आप उसका क्लॉज 28 देखेंगे, उसमें ट्रैक्टर को अगर आप देखेंगे व्हीकल्स की कैटेगरी में जरूर आता है, लेकिन जो एक ट्रैक्टर है वो फार्मिंग के लिए यूज होने वाला या लेबर को कैरी करने के लिए यूज होने वाला, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि इसको कमर्शियल व्हीकल कहा जाएगा, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं है, और दैट इज वाई इसके ऊपर आप देखेंगे सब्सिडी भी होती है। और इसकी जैसे हम गाड़ियां देखते हैं माइलेज देखी जाती है गाड़ियों की, ट्रैक्टर की उस तरह माइलेज नहीं देखते बिकॉज हैवी ड्यूटी व्हीकल है, तो कमर्शियल पर्पज में ये यूज नहीं होनी होती। लेकिन अगर आप किसानों के एंगल से देखें, मतलब मैं एज अ लॉयर या एज ह्यूमन बींग जो चीज असेस कर सकता हूं, इसके किसान ट्रैवल करेगा वो तो ट्रैक्टर पे ही करेगा। अगर हम एक किसान को कहेंगे कि भाई तूने एक फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट लिया है कोई, वो कोई हल थोड़ी सड़क पे लेके जा रहा है, वो अपना ट्रैक्टर में ट्रैवल करना किसान की एक आदत है, क्योंकि उसके पास व्हीकल ही एक है, मे बी वो दूसरी व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन चीजों के कारण उनकी मूवमेंट आप देखेंगे हमेशा ट्रैक्टर में ही होगी, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, पर कानून कहता है कि ट्रैक्टर को लेकर आप इस तरह से कहते हैं, क्योंकि यह भी जिक्र चलता है कि जब किसान कहीं शादी में घूमने या कहीं और भी जाता है तो वो अपने प्राइवेट व्हीकल यूज करता है, अपनी घर की गाड़ी हो, चाहे वो सस्ती हो महंगी हो जो भी हो, तो सिर्फ मार्च में ट्रैक्टर यूज करना, और क्या वो ट्रैक्टर पर राशन भरकर, क्योंकि ये जिक्र बार बार चर्चाएं डिबेट्स का एक जिक्र बन चुकी है, जिक्र बार बार आता है। तो आपने कहा कि 1918 एक्ट है, तो किस तरह से अगर हम किसी प्रोटेस्ट में ट्रैक्टर्स को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि आप करिए प्रोटेस्ट, गाड़ियों में आइए, ट्रेनों में आइए, बसों में आइए। सर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर जो रूल्स बने हुए हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, उसमें ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है कि फार्म इक्विपमेंट्स में यूज होने के लिए अदरवाइज व्हीकल है फॉर फार्मिंग। लेकिन आपने एग्जांपल ठीक दिया कि फार्मर्स शादी में जा रहे हैं तो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन आप यहां एक चीज देखिए, जब कोई धरने पे जा रहा है या पॉलिटिकल रैलीज में कोई जाता है तो आप देखेंगे ट्रक्स और टेम्पूज जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको यूज किया जाता है। बहुत बार ऐसी जगहों पे भी लोगों को ट्रॉलीज में लेके जाते हैं। दैट डज नॉट मीन के उसको रूटीन में एक टैक्सी की तरह यूज किया जा रहा है। अगर हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, अगर हम उसको प्राइवेट यूज में रखना चाहते हैं तो वो अलग तरह का हमें उसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कमर्शियल व्हीकल के तौर पर उस गाड़ी को यूज करना है, सेम व्हीकल, तो हमें उसको गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना है बिकॉज उसमें से हमें अलग इनकम आ रही है। डज नॉट, उसी तरह ट्रैक्टर जो है वो टैक्सी के तौर पर यूज नहीं हो सकता। लेकिन जब फार्मर्स ने ग्रुप्स में मूव करना है तो वो उसको इसी तरीके से यूज करेंगे। अब जो जेसीबी के साथ मॉडिफाइड है, आप देखेंगे इसकी प्रोविजन कहीं नहीं है कि इसको आप किस कैटेगरी में गिनेंगे, बिकॉज जेसीबी अपने आप में एक अलग व्हीकल है। तो उसको अगर आप ट्रैक्टर से जोड़ना चाहें, अब वो किस कैटेगरी में आएगी वो तो कोई नए लॉ के अमेंडमेंट के अंडर आएगा कि किस चीज में यूज करना है,
बट जब धरने पे जाना है तो इट इज द नंबर ऑफ पीपल जिसको जिनको इन्होंने लेके जाना है, उतने लोग फिर ये ट्रॉली में ही लेके जाएंगे। प्लस जब आप धरने पे जा रहे हो, आपको सामान कैरी करना है या वो चीजें करनी है, तो उसके लिए ट्रैक्टर को कमर्शियल यूज में लाया ही जाएगा। कोई भी किसान होगा उसके लिए फिर आइडियल व्हीकल एक ट्रैक्टर और ट्रॉली होगी। और इसमें आप जो क्वेश्चन आपका रेलिवेंट है कि कोर्ट के सामने पॉइंट आउट हो रहा है, बट चीज ये आ जाएगी कि किसान के पास भी क्या ऑप्शन होगी। मतलब ये तो नहीं होगा कि वो ट्रक्स हायर करेंगे और उन चीजों में मूव करेंगे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही करेंगे। अब मॉडिफाई क्यों करा है, किस तरह किया है और वो किस कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी में वो किसी में नहीं आता। इट इज नाइदर अ जेसीबी नाउ नॉर अ ट्रैक्टर। क्योंकि जब ये सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी और मॉडिफाई ट्रैक्टर्स का, या जिस तरह से ट्रैक्टर को किसी ने मॉडिफाई कराया है, तो कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है प्रोटेस्ट कीजिए शांतिपूर्ण, लेकिन अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, या वकीलों का भी जिक्र था, तो एक्ट के मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से अगर आपने कहीं जाना है लेकिन वो फार्मिंग के लिए नहीं, प्रोटेस्ट के लिए, इट मीन्स कि वो यूज कर सकते हैं? नहीं, लॉ में तो प्रोविजन नहीं है। देखिए कानून अगर आप देखें तो बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स में बना है। प्रोटेस्ट के लिए कानून नहीं होता। कानून कभी भी प्रोटेस्टिंग सिचुएशंस के लिए नहीं है, एक्सेप्ट दिस के पीसफुल प्रोटेस्ट रखो। कानून बिना तोड़े प्रोटेस्ट करो, और कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो आप देखेंगे उसमें कानून तो थोड़ा बहुत टूटता ही है। अब उसमें जेसीबी वाले ट्रैक्टर्स जो हैं, ये पहली बार सामने आए हैं। ये कहीं भी मेरी नॉलेज के हिसाब से मोटर व्हीकल्स एक्ट में नहीं डिफाइंड। पर आप ये भी कह रहे हैं कि किसानों के पास ऑप्शन ट्रैक्टर के अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन हम कई गाड़ियां भी देखते हैं, चाहे हमने दिल्ली में आंदोलन जब हुआ एक साल तक चला, वहां पर हमने गाड़ियां भी देखी, गाड़ियों में भी लोग किसान आए, तो बट ट्रैक्टर्स का आपको लगता है कि जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो शायद किसानों का प्रोटेस्ट एक अधूरा सा लगता है, क्योंकि उनके पास एक ही यही रहता है कि हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी शान है। शान के साथ साथ देखिए गांव से जो भी आदमी मूव करेगा वो अकेला नहीं करेगा, वो अपना सामान कैरी करेगा, बिस्तरे कैरी करेगा, राशन कैरी करेंगे। अब वो जब एक लॉन्ग प्रोटेस्ट की तैयारी से, देखिए एक हम लोगों में और एक किसान में एक फर्क होता है कि वो थोड़े स्टडी होंगे, उनको फिजिकल लेबर ज्यादा करने की आदत है, वही लोग शहर में रहने लग जाएंगे तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। उसी तरह मैं एक चीज फील करता हूं, जब एक किसान ने मूव करना है वो अपनी उतनी तैयारी से प्रोटेस्ट की जा रहा है कि मेरे को 15 दिन या महीना रहना पड़ेगा, मुझे सोने की जगह नहीं मिलेगी, मुझे ट्रॉली में सोना पड़ेगा, मेरे साथ लोग जाएंगे, तो उस चीज के लिए वो जाते हैं। अब वहां जो बड़ी गाड़ियां अगर आ रही हैं कोई, तो वो तो हो सकता है शहर के लोग जो सपोर्ट में जा रहे हैं उनकी भी हो सकती हैं। क्योंकि ट्रॉली में हमने देखा कि टेंट लगा के सोना है रात को किसानों ने, चाहे बारिश है ठंड है, वो भी एक आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रीजन? बिल्कुल है जी, इनफैक्ट वो एक मजबूरी बन जाती है उनके लिए, इट इज जैसे एक मोबाइल कैरावैन की तरह उनका वो हो जाता है। और जहां तक किसान का सवाल है, एक साइकोलॉजिकल चीज ही समझिए, कानून डेफिनेटली टूट जाए लेकिन एक किसान की जिंदगी का हिस्सा एक ट्रैक्टर है। किसान अपने आप को साइकोलॉजिकली कभी ट्रैक्टर से अलग कर नहीं सकता, तो हम जितना मर्जी जोर लगा लें वो उनकी एक प्रोटेस्ट का हिस्सा, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर में मूवमेंट और सारी मोबिलाइजेशन ट्रैक्टर पे वो रहेगी। शायद यही वजह है, लास्ट सवाल विवेक जी, के स्टेटस रिपोर्ट जो फाइल की गई है, खासकर मैं हरियाणा की बात करूंगा, हमने बात भी की थी, उन्होंने कहा कि जो नुकसान हरियाणा को झेलना पड़ा इस आंदोलन से, मूवमेंट से, तो यही कारण है कि इस बार जो बंदोबस्त हम देख रहे हैं, लगातार जो स्थिति हल्की हल्की बीच में तनाव आ जाती है, पूरी बैरिकेडिंग नुकीली तारें, यही रीजन है कि आइए लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मत आइए। देखिए ट्रैक्टर्स तो एक उनके मूवमेंट का, मेरे ख्याल से किसी किसान को मूवमेंट करनी है तो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेके चलेगा। अगर हम ये उम्मीद रखेंगे कि किसान प्रोटेस्ट करेगा और बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के करेगा, वो तो नहीं हो सकता। वो उनकी जिंदगी का इनसेपरेबल पार्ट है, उनकी डेली मूवमेंट का एक उनका जरिया ही वो है। किसान को अगर आप कहेंगे तुम शहर से कुछ सामान लेने जाओ, वो भी शायद ट्रैक्टर पे जाएगा, अपनी रूटीन गाड़ी में नहीं जाएगा, और उतनी मोबिलिटी या उतनी वेरिएशन अलाउड होती है। मोटर व्हीकल एक्ट में अलाउड? कानून की एक छोटी सी मैं बात कहूंगा, हम लॉ के टाइम पढ़ते होते थे दैट लॉ इन इट्स मेजेस्टिक इक्वालिटी फॉरबिड्स पीपल फ्रॉम बीइंग पुअर, स्लीपिंग हंग्री और बेगिंग ऑन स्ट्रीट्स, के कानून अपनी एक शाही इक्वालिटी की बात करते हुए लोगों को गरीब होने से, भीख मांगने से और भूखे सोने से रोकता है, पर वो होता है। सो उसी तरह ये चीज है, कानून कभी भी परफेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कानून में अगर हम वो धाराएं देखेंगे तो कानून में इस तरह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की प्रोविजन है कि नहीं, पहले वो भी हम देख लेते हैं। मैं नहीं कह रहा सरकार गलत है या किसान गलत है, पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों तरफ कहीं ना कहीं कानून थोड़ा बहुत टूटता है।
वो भी सिटीजन्स हैं, उनका हक है प्रोटेस्ट करना, कानून के रखवालों का हक है उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना। सो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम किसानों से उम्मीद रखेंगे, मैं एज अ लॉयर एज एन इंडियन सिटीजन फील करता हूं कि इंडियन किसान जब भी मूव करेगा वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही करेगा और उसको उसका कंफर्ट लेवल और उसके साथ ग्रुप में जो लोग मूव कर रहे हैं वो भी उसी ट्रॉली में मूव करेंगे। उनका वो एक मिनी घर की तरह, छोटे घर की तरह, कैरावान की तरह होता है कि भी हम जा रहे हैं, ये हमारा काफिला ट्रैक्टर्स का है। देखो वो बाकी ठीक है, शहर के लोग साथ अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, वो गाड़ियां अगर ला रहे हैं वो सपोर्ट अपनी सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। उस चीज को हम किसान आंदोलन से अगर जोड़ रहे हैं वो एक पब्लिक सपोर्ट है जिसमें ट्रैक्टर की परफेक्ट लॉ में एप्लीकेबिलिटी, ये क्या सड़क पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह हो सकता है कि नहीं, वो थोड़ी सी सेकेंडरी प्लेस ले लेगी, बिकॉज वो लॉ नहीं हम उस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आफ्टरऑल सरकार खुद जब टॉक्स पे आ चुकी है और बात करके चीजों को सुलझाना चाह रही है तो लॉ में ये कहना कि तुम इस गाड़ी में नहीं मूव कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, वो तो सरकार भी शायद नहीं चाहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी बात करने के लिए। तो ये थे एडवोकेट प्रदीप वीर के, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस बार बार जिक्र आता है ट्रैक्टर्स मॉडिफिकेशन का, क्योंकि ट्रैक्टर किसानों के पास एक ऑप्शन है जिसे मूव करते हैं, हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 कुछ कहता रहे लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसा कि बताया कि शायद वो कानून भी वहां पर अपना कहीं ना कहीं पीछे हटता है। लेकिन हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, बातचीत भी जारी है, देखना होगा इस मसले का हल कैसे निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।